हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल माइंड मिज गोरे हर्चल सो आज हम पढ़ने वाले पार्ट थ्री नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चलो पार्ट थ्री पढ़ते हैं सो so, हमने पार्ट टू तक देखा था पार्ट टू तक दोज पीपल लर्न टू हेड दे आल्सो लर्न टू लव सो पार्ट टू तक देखा था हम पार्ट थ्री लेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सो लेट स्टार्ट व्हेन ही वाज इन प्रिजन विथ हिज मेंबर्स वेर ट्रेटेड इन टॉर्चर मैन ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग डेट टॉर्चर गार्ड्स है मतलब जो नेल्सन मंडेला बो हम अपनी कहानी बोलते हैं जब वो प्रिजन में थे उसके मेम्बर्स के साथ वो बहुत टॉर्चर होते थे मतलब जो गार्ड्स थे वो उनको बहुत टॉर्चर करते थे क्योंकि वो अपार्टेड सिस्टम को हटाना चाहते थे पर कभी कभी परेक्ट्स उनको लगता था कि इस गार्ड पर कुछ तो ह्यूमनिटी होगी मतलब मतलब हम बोलते इंसानियत ह्यूमनिटी ज़रूर होगी इस गार्ड के ऐसा बोलते थे ही ऑल्सो थिंक्स डैट मैनस गॉड ने गुडनेस मस्ट आर हिडन बट नेवर एक्सटिंग नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि एक अच्छा है, एक इंसान की अच्छाई, वो ज़रूर छुपी होती है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती वो गुडनेस कभी भी ख़त्म नहीं होती एवरी मैन हैव टू ऑब्लीगेशन्स इन हिज फैमिली ऑब्लीगेशन मतलब ड्यूटीज़ फैमिली की ड्यूटीज़ कर्तव्य तो so, पहली ऑब्लिगेशन है रिलेटिव्स फैमिली और दूसरी है कंट्री हमारे पीपल मतलब नेल्सन ने कहा है कि मेरे टू ऑब्लिकेशन से मेरी कंट्री के पीपल मेरी कम्युनिटी और मेरे रिलेटिव्स फैमिली ब्रदर सिस्टर सो so, वो क्या कहते हैं इट्स नेसेसरी टू फुलफिल बोट ड्यूटीज़ ऑन हिज बिहेवियर एंड एबिलिटी मतलब एक इंसानियत की बिहेवियर एबिलिटी उसकी एबिलिटी पर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को किस तरह और कैसे पूरा करता है पर साउथ अफ्रीका के कंट्री में ये इम्पॉसिबल था अपने खुशी मतलब अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा पूरा करना ड्यू टू द अपार्ट हिड देर वेर नो पॉलिटिकल राइट्स एंड स्टेज टू ब्लैक्स एंड कलर पीपल मतलब जो पॉलिटिकल रूल्स थे वोट्स थे डेमोक्रेटिक मतलब सिर्फ वाइट्स सुप्रीमेसी को ही थे ब्लैक्स और कलर पीपल को भी कौन सी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे और कहाँ पर भी पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा ले सकते हुँ. बाई दिस पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिक्स थे इससे मैंने मंडेला को वॉज मत, प्रिजेंट मतलब उसी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना था आपातर्थ सिस्टम को बदलाना था वो उसकी कोशिश में करने के लिए वो ट्वेंटी सेवन ईयर्स प्रिजन मतलब जेल में ट्वेंटी सेवन ईयर्स वहाँ से वो ट्वेंटी सेवन ईयर्स कैद हुए ना ही इज स्पीकिंग डैट आई वॉज नॉट बॉर्न इन हंगर और इन हार्डशिप आई वॉज फ्री 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 मतलब जो बोलते हैं मैं जब मेरा जब जन्म हुआ था मैं बॉर्न हुआ था तो मुझे ये नहीं पता था फ्री क्या होना होता है और लॉक क्या होना होता है, है वो सिर्फ कॉमन मतलब कॉमन जो इसे इंजॉय करता था उसकी चाइल्डहुड माय चाइल्डहुड वाज़ वेरी प्लेफुल लाइक कॉमन चाइल्ड बट वेन आई वॉज ग्रोविंग आई रियलाइज डैट आई वॉज नॉट फ्री मतलब जो वो सेवेंथ में गया एट में गया बड़ा बड़ा होता होता गया उसे रियलाइज़ होता गया कि थोड़ी थोड़ी मेरी फ्रीडम हट रही है सो वेन आई वॉज स्मॉल इन एच आई रन विथ फ्रेंड्स फ्री राउंड ऑफ फील्ड मतलब वो स्मॉल होते थे तो क्या करते थे ऐसे बताए वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे कूदते थे, थे और फील्ड्स uh, में मतलब uh, खेत में ऐसे दौड़ते थे और बुल्स थे जो फार्म बुल्स होते हैं उसके साथ भी फिर खेलते थे इन चाइल्ड हुड ही ऑबे हिज फादर एंड द ट्राइब होस्टम तो चाइल्ड हुड में सब अपने पापा के मतलब पापा के सब काम ऑबे करते हैं वैसे ही नेल्सन भी आबे करते थे और ट्राइब कस्टम्स मतलब साउथ अफ्रीका में ऐसा एक ट्राइब होता है छोटे छोटे उसके कस्टम्स होते हैं सो so, वो ऑबे करते थे सब कस्टम्स बट आफ्टर ग्रोविंग ही रियलाइज हिज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन मतलब जो वो एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ईयर्स के हो गए सो so उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा फ्रीडम किसी ने तो लिया है मतलब फ्रीडम उसका गया है ऐसे नरसैन मंडेला को रियलाइज हुआ सो ही नाउ गेट हंगर ऑफ फ्री मतलब हमें अगर भूख लगती है वैसे ही उसे फ्रीडम की भूख लगी थी हंगर लगी थी स्लोली ही वॉज अंडरस्टूड नॉट ओनली आई एम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल्सो लॉक सो उसे स्लोली मतलब धीरे धीरे पता चला कि जो ब्लैक्स है वाइट्स मतलब कलर्ड है वो सिर्फ लॉक है और उनको ही फ्रीडम नहीं है सो so, ऐसे पता चला आफ्टर डैट ही स्टार्टड हिज ग्रुप मतलब उसी ने उस टाइम से उसने तय किया कि मैं ये अपार्टेड को एबॉलिश करके रहूँगा मेरे पीपल को मुझे फ्रीडम दूँगा ऐसा उसने वचन मतलब प्लेज किया तो उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया ए एन सी मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऐसा वो ग्रुप्स था अपने ब्रदर सिस्टर और वो, वो सिक्स मेंबर्स थे वॉल्टर उन्होंने एक ग्रुप बनाया टू फाइट फॉर फ्रीडम दे गॉट पर उसी को ऐसे गहरी सोच हम कभी कभी ज़्यादा ही सोचते वैसे ही नेल्सन मंडेला को एक सोच आ गई कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ तो मैं तो अपने लिए ही मतलब अपने मतलब हम क्या तो सिर्फ अपने लिए ही करते पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा द monk द मैन विदाउट होम उन्होंने कर, उसने कभी कभी ये सोचा पर उसने ये सोचा कि मेरे पीपल को मैं फ्रीडम लेकर लूँगा इसलिए उसने लालच नहीं दिखा मतलब हम कहते हैं उसने स्वार्थ नहीं किया जो मिला है वो सब अपने पीपल को बांट दिया इसलिए ये उसे एडजेक्टिव है आने लगे इफ़ ही वॉज नॉट डन दिस नाउ स्टिल देर मतलब उसने अगर ये सोच नहीं की होती मतलब द मंक द मैन विदाउट होम अगर ये गहरी सोच उसने उसके दिमाग में नहीं आई होती तो अभी तक वो अभी तक अपार्टेड में रह लेता मतलब अभी तक अपार्टेड चल रहा होता ही सेट फ्रीडम इज इंडिविजिबल मतलब जो फ्रीडम है जो इंडिविजिबल है मतलब अगर फ्रीडम हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं ऐसा कुछ तो है इफ़ माई पीपल आर इन चैन देन आई एम ऑल्सो इन चैन चैन मतलब लॉकर मतलब लॉक में है अगर उसका फ्रीडम किसी ने लिया है तो मतलब वो ऐसा कंपेरिज करता है अगर मेरे पीपल मतलब हमारे महात्मा गांधी कैसे कहते हैं कि मेरे देशवासी मेरे इंडियन ने कपड़े नहीं पहन रहे तो मैं क्यों पहनूँ सो so, वैसे ही नेल्सन मंडेला मेरे पीपल फ्रीडम नहीं है फ्रीडम नहीं है उनको तो मुझे फ्रीडम ला मतलब मुझे फ्रीडम होकर फ्री होकर क्या करना है सो so, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मैं इफ़ माई पीपल आर इन चैन देन आई एम ऑल्सो चैन ऑफ़ मैन हु टेक्स another मैन फ्रीडम ही prison मतलब जो मैन दूसरों का फ्रीडम छीन लेता है दूसरों का फ्रीडम उसे अलग करके आवे कर देता है सो so ही prison एड hatred मतलब वो मन से बहुत टूटा होता है और उसे भावना की कोई कदर नहीं होती बिहाइंड दार ऑफ prejudice प्रेजुडिस मतलब गुड थिंग्स जो हम कभी नहीं तोड़ सकते उसको प्रेजुडिस बोलते हैं वैसे बार ऑफ प्रेजुडिस के अंदर वो कई धो जाता है अगर उसने दूसरों का फ्रीडम छीन लिया हो विदाउट एनी काइंड मतलब एनी बिग मतलब मैं वाइट हूँ तो मैं ऐसा लूँगा ऐसा नहीं इसे फ्रीड प्रेजुड करते ही ऑल्सो टेल्स ऑपरेसर इज मोर गिल्टी देन हुज ऑपरेस्ट मतलब जो ऑपरेसर है जिसको टॉर्चर कर रहा है टॉर्चर मोर गिल्टी जो टॉर्चर कर रहा है वो मोर गिल्टी होता है टॉर्चर टॉर्चर से ज़्यादा सो थैंक्स आपको अगर ये पार्ट थ्री मत अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है ये बहुत बोरिंग चैप्टर है लेकिन मैंने बहुत इजी करके आपको समझाया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू